से आपको बता रहे हैं। बिलासपुर में एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी पर याचिका को सुनते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। दरअसल आरक्षण के नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मामला अदालत में पहुंचा। 2021 में 975 पदों के लिए भर्ती निकली थी। बिलासपुर से सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, पूरी जानकारी विस्तार से। प्लाटून कमांडर से जुड़ा हुआ मामला है और इस पे चूंकि ये मामला जो प्रतिभागी थे उन्होंने एक याचिका लगाई थी कि 2021 में जो निकाली गई 975 जो खाली पद थे उस मामले पे कहीं ना कहीं मेरिट सूची में आरक्षण के नियमों को ताक पर रखकर सिलेक्शन किया गया है और जिसकी वजह से ये जो प्रतिभागी है वंचित रह गए। लिहाजा इन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए आज इस पूरे मामले की जो फैसला है उसे सुरक्षित कर लिया है। फिलहाल देखना यह होगा कि हाईकोर्ट किस तरीके से आगामी इस फैसले को सुनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी बात निकलकर सामने आई थी। मेरिट सूची में आरक्षण के नियमों को ताक पर रखकर यह आरोप लगाया गया था, जिसके बाद जो अभ्यर्थी है उन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया था, जिसके बाद आज मामले की सुनवाई करते हुए डिविजन बेंच ने मामले को आरक्षित रखा है फैसले को। जी ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर छिंदवाड़ा से भी खबर मिल रही है, कार में आग लग गई और इस आग के चलते कार में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव थाना क्षेत्र की ये घटना है। कार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कार में आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। आप देख सकते हैं जब तक फायर ब्रिगेड टीम यहाँ पहुंची तब तक काफी नुकसान हो चुका था। कार में रखा सामान और कार जलकर खाक हो गई थी। छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आप आग में घिरी कार को देख पा रहे हैं। तो कार में सामान रखा हुआ था वो भी पूरी तरह जलकर खाक हो गया छिंदवाड़ा में। हालांकि अभी मौसम लगातार करवट ले रहा है, चाहे आसमानी मौसम की बात की जाए या सियासी मौसम, इन सब के बीच आग लगने की घटनाएं भी। ये तस्वीरें जुन्नारदेव में जो कार में आग लगी उसकी। कैंसर की नकली दवा बनाने वालों पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। दिल्ली एनसीआर में करीब 10 ठिकानों पर रेड डाली गई और लाखों का कैश जब्त किया गया। दिल्ली एनसीआर में लोगों की जान से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा था वो ईडी की ये रेड बताती है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए नकली दवा का जहर बांटा जा रहा था। अब ईडी ने ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए बड़े पैमाने पर रेड मारी है। कैंसर की नकली दवा के मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 10 ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल जांच में खुलासा हुआ कि एक संगठित गिरोह है जो कैंसर की नकली दवा बनाता है और बेचता है। ईडी ने गिरोह से जुड़े आरोपी विफल जैन, सूरज शत, नीरज चौहान, कोमल तिवारी, अभिनय, परवेज मलिक और तुषार चौहान के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। सर्च अभियान के तहत ईडी ने 65 लाख रुपए कैश भी बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि इसके अलावा संदिग्धों के कब्जे से चल और अचल संपत्तियों के बारे में कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में तलाशी और छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है। दिल्ली में कैंसर की नकली दवा का पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। अब उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने छापेमारी भी शुरू की है। राजधानी दिल्ली में कैंसर की नकली दवा का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। इसमें मरीजों की जान से सीधा खिलवाड़ है ही, साथ में मरीज के घर वालों पर भी आर्थिक बोझ पड़ता है, क्योंकि कैंसर का इलाज काफी लंबा चलता है और इसमें खर्च भी बहुत ज्यादा आता है।
लेकिन नकली दवा के सौदागर लोगों की जान से खेल रहे थे। ये बात भी सामने आ रही है कि इस रैकेट के तार दूर दूर तक फैले हुए हैं। अमूमन उन लोगों को टारगेट किया जाता था तो दिल्ली में दूसरी जगहों से इलाज कराने आते थे। उनके तीमारदारों को कैंसर का सस्ता इलाज और सस्ती दवा का लालच दिया जाता था। गुरुग्राम साउथ सिटी के एक फ्लैट में दवाओं का स्टॉक भी बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 कर्मचारी एक अस्पताल के ही बताए जा रहे हैं। अब ईडी नकली दवा के गोरख धंधा चलाने वालों के खिलाफ सीधे तौर पर एक्शन ले रही है। जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा कि गिरोह का नेटवर्क कहां कहां तक फैला हुआ है। वहीं अलीगढ़ की बात करें तो यहां नकली मेडिकल स्टोर पर ड्रग्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। बन्ना देवी इलाके के रसलगंज का ये मामला है। केमिस्ट की दुकान को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। आज रसलगंज में राजेंद्र मेडिकल स्टोर में कुछ नकली दवाइयां और कुछ प्रतिबंधित दवाइयों के संबंध में शिकायत मिलने पर जांच की गई और वहां से कुछ सैंपल भरे गए। इसके बाद दुकान पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र औषधि भंडार अमरनाथ। देर रात को पड़े इस छापे के बाद नकली और प्रतिबंधित दवाइयां मिलने पर दुकान को सील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेनी आईपीएस की अचानक तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए ट्रेनी आईपीएस को रायपुर रेफर किया गया है। कल रात वो जब जिम पहुंचे आईपीएस उदित पुष्कर, तो उनकी तबीयत खराब हुई, सांस लेने में उन्हें परेशानी शुरू हो गई। तो देर रात उन्हें मिकाज में भर्ती किया गया और अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। तो हमारे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, जुड़े रहिए। नमस्कार।